मैं तो सिर्फ सैलेड लूंगा। Are you sure? क्योंकि बाबा आई थिंक आपको सैलेड के अलावा कुछ और अपने लिए ऑर्डर कर देना चाहिए। आपको पता है ना कि आप थोड़ा सा टेस्ट करने के चक्कर में आधा मेरा खाना खा जाते हैं। नहीं नहीं, यू डोंट वरी, अगर मुझे जरूरत भी पड़ी तो मैं अपनी बेगम की प्लेट की तरफ देखूंगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं कुछ ऑर्डर ही नहीं कर रही। अच्छा चलें, हमने ऑर्डर अपना डिसाइड कर लिया। मैं अपने लिए लज़ानिया ऑर्डर कर रही हूँ, आपके लिए सैलेड, और अगर हमें बीच में भूख लगी तो हम चिकन विंग्स शेयर कर लेंगे। ठीक है, चलें मैं वॉशरूम जाती हूँ। कीड़ा कहाँ है? वहाँ सामने बराबर में ओनली ऑन लेफ्ट। अमित वो छुट्टी पर साफ कर रहे हैं उनके। जमाल मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो ना बहुत पढ़ता है, किताबें छाटता रहता है, इसलिए सबने उसका नाम कीड़ा रख दिया। जाहिर सी बात है, अपनी फीस खुद कमा रहा है। तुम लोगों की तरह पैसे नहीं झोंक रहा इस यूनिवर्सिटी में। अच्छा नाना, ये जो डांट है ना, ये आप प्लीज घर के लिए बचा के रखिएगा। मैं बाहर जा रही हूँ और आप लोग भी आ जाओ। क्यों? पापा को एम्बैरेस होगा ना मुझे यहाँ देखकर। एम्बैरेसमेंट किस बात? वो काम कर रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा। He should be proud of himself. पापा प्लीज चले। क्या नाम है इसका? जमाल। जमाल? पापा नहीं, रुकिए। जमाल बेटा जरा बात सुनिएगा। यस सर। ये बता रही थी कि भाई तुम दोनों साथ पढ़ते हो। भाई बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सर। मैं आप जैसे नौजवानों की बहुत कदर करता हूं। वैसे तो मैं जानता हूं कि आप जैसे बच्चे अपनी जरूरतों का इजहार नहीं करते, लेकिन अगर कभी कोई मुश्किल हो तो हीर को आप बता सकते हैं। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। देख के मुझे अपना आप याद आ गया। मैं भी ऐसी छोटी मोटी जॉब्स किया करता था अपनी पढ़ाई के दौरान इस शहर में।